सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है, मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट की सहायता से किसी इमेज को डेस्कटॉप बैकग्राउंड के तौर पे कैसे सेट किया जा सकता है। ठीक है, वो इमेज हो सकती है या ये हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट के कैनवस पे हमने कुछ टाइप किया हुआ हो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं डेस्कटॉप इमेज हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। ठीक है, इसको भी एज ए हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पेंट पर बेसिक से लेकर एडवांस तक के वीडियोस देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले कैनवस पर जो कुछ भी है इसको कहीं सेव करना जरूरी होता है, तो पहले इसको कहीं सेव कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको जाना है, देखिए फाइल टैब हमको यहां मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहां से सेव एज का ऑप्शन है। अब इसको एज ए जेपीजी इमेज हम सेव कर लेंगे। जेपीजी पे हमने क्लिक किया और इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। इसको बैकग्राउंड नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमने बैकग्राउंड नाम इसको दे दिया, इसको सेव कर दिया। ठीक, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ ये कहाँ सेव हुआ। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए सेव हो गया। ठीक, अब वापस चलते हैं पेंट पर। अब इसको एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेव करना है तो हमको फिर से जाना है लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए फाइल टैब यहाँ पे मिलता है, इस पर क्लिक कर दीजिए और नीचे देखिए सेट एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड है। ठीक है, तो इस पर जब अपना कर्सर ले जाएंगे तो ये आपको तीन ऑप्शन देगा, फिल, टाइटल, सेंटर, जो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें। मान लीजिए कि फिल ले लेते हैं, फिल द एंटायर स्क्रीन विद अ पिक्चर। ठीक है, बस इस पर क्लिक करते ही ये एज ए डेस्कटॉप बैकग्राउंड सेव हो गया। अब इसको जब मिनिमाइज करेंगे तो ये देखिए ये हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, जो हमने वहाँ पर टाइप किया था। ओके।